भालू बा शेर चले गया डर से। मैंने इसको पकड़ा, देखा तो ये बहुत लाचार बीमार था। इन तस्वीरों में माँ की ममता झलक रही है। इस माँ को ये फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा हिरन का है या खुद उसका। लेकिन इस माँ की जाबाजी और ममता की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये महिला चमोली जिले के देवाल ब्लॉक की है। वाणगांव निवासी धामती देवी पास के जंगल में चारा पत्ती के लिए गई थी, जहां महिला ने हिरन के इस मासूम बच्चे को दर्द से कराहते हुए सुना। महिला समझ गई कि जरूर ये मासूम मुसीबत में है। महिला ने मौके पर ही जोर जोर से शोर किया तो पाया कि ये हिरन का बच्चा बाघ की गिरफ्त में है, जिसे कि बाघ अपना निवाला बना नहीं वाला था। लेकिन इस महिला की जांबाजी और शोर के आगे वो आदमखोर वहां से भाग खड़ा हुआ। महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मासूम की जान बचानी चाही, जिसमें महिला कामयाब भी हो गई। हिरन के मासूम बच्चे को कराहते देख महिला की ममता उमड़ गई और हिरन के बच्चे को वो घायल स्थिति में उठाकर घर ले आई। फिर धामती देवी बाजार से दूध पिलाने की बोतल खरीद कर लाई और हिरन के बच्चे को दूध पिलाया। इसके बाद इसकी सूचना महिला ने सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली को दी, जिन्होंने वन विभाग को सूचित किया और हिरन के बच्चे को पास के ही पशु चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सा फार्मिस्ट के द्वारा घायल हिरन का इलाज किया गया। इसके साथ ही महिला लगातार ही घायल हिरन के बच्चे को दूध पिला रही थी, मानो उसका खुद का बच्चा हो। इलाज के बाद उस मासूम हिरन के बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया गया। महिला ने खुद पूरी घटना सुनाई है। जंगल में बाघ ने, शेर ने इसको पकड़ लिया। मैंने चिल्लाते सुना, इसकी मम्मी की आवाज तो पहचान ली थी, इसके आवाज मैंने नहीं पहचाने। मैं चिल्लाते चिल्लाते दौड़ते दौड़ते भागते गई, फिर भालू बा शेर चले गया डर से। मैंने इसको पकड़ा, देखा तो ये बहुत लाचार बीमार था, घायल था। मैंने इसके कान फूके, फिर घर लेके आई। घर में दो दिन चम्मच से दूध खिला रही थी, इसने नहीं खा पाया। मैं बाजार गई, बाजार से निपल खरीद के लाई, इसको दूध पिलाया। निपल में दूध खाने लायक ही हो गया, दूध खा रही, स्वयं खा रही दूध। इसको मैंने दवाई आज अस्पताल में ला रही, डॉक्टरों ने इसके इलाज कर दिया, दवाई लगा दी और इंजेक्शन लगा दिया। इसको मैं पाल रही बच्चे की तरह। अगर कोई दयालु है, पहले तो चिड़ियाघर में ले जाने की चेष्टा करें। अगर चिड़ियाघर नहीं ले जाते हैं, मैं इसको अपने सारे लायकी हो जाएगी, मैं इसको अपने जान बचाने लायकी हो जाएगी, तब तक पालूंगी। ना तो इसके मम्मी के पास जहाँ से लाई वहीं पहुँचाऊँगी। अब करना जो क्या, मैंने घर में रख के अपने जान बताने लायक हो जाएगी, अपने सारा लायक हो जाएगी। इसको मैं जंगल में छोड़ूंगी, मेरी आशीर्वाद होगी तो ये अपनी मम्मी के पास पहुंच जाएगी। इस महिला की ममता देखकर हर कोई इनका मुरीद हो रहा है। लोग इनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। धामती देवी ने मानवता और ममता की मिसाल पेश की है। वन विभाग के दरोगा ने भी महिला का आभार व्यक्त किया है। ऐसी निडर और जाबाज महिला को हमारा सलाम। चमोली से कमल लैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।